हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किचन क्वीन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी पपीते का मिल्क शेक। तो ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही एनर्जी वाला ड्रिंक है, तो आप इसे गर्मियों के मौसम में बना सकते हैं। पपीते का ड्रिंक सभी को बहुत पसंद आएगा, तो आप लोग इस तरीके से बनाकर देखें। तो देखिए, पपीते का ड्रिंक बनाने के लिए हमने एक बाउल हमने पपीते के छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और हमने आइस क्यूब लिया है, एक गिलास हमने दूध लिया है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने चीनी ली है, और हमने इलायची ली है, 4-5 इलायची का हमने पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। तो देखिए, ये हमने जार लिया है। तो देखिए, पपीते को हमने जार में डाल दिया है, तो इसमें एक गिलास दूध भी ऐड कर देते हैं। पपीते का मिल्क शेक हम 2 गिलास बनाएंगे, आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं। तो देखिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर देते हैं। तो देखिए, पपाया शेक मिठाई बनाएं तभी ये टेस्टी लगेगा। देखिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी ऐड कर देते हैं, और इसमें 4-5 आइस क्यूब डाल देते हैं, जिससे हमारा पपीता बहुत ही अच्छे से पिसकर तैयार हो जाएगा और इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो चलिए, इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार करते हैं, उसके बाद हम इसका मिल्क शेक बनाएंगे। पपीता मिल्क शेक बहुत ही एनर्जी वाली ड्रिंक होती है। तो चलिए, इसे मिक्सी में लगाकर इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए, मिक्सी को चलाते रहेंगे, फिर रुकेंगे, फिर चलाएंगे। इसी तरीके से मिक्सी को चलाकर इसका एक फाइन शेक बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए, इसको पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, पपीते मिल्क शेक को चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से पीस कर तैयार हुआ है नहीं। तो देखिए, इसे एक चम्मच की हेल्प से चलाकर देखते हैं। तो देखिए, अभी अच्छे से पपीता पीस कर तैयार नहीं हुआ है, तो कुछ देर इसे और चला देते हैं। तो देखिए, जार का ढक्कन लगा देते हैं, 3-4 बार मिक्सी को और चला देते हैं, तो इसका बारीक पीसकर पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, 3-4 बार हमने मिक्सी को चला दिया है, तो एक बार इसे फिर से चेक करके देख लेते हैं हमारा पपीता मिल्क शेक अच्छे से बनकर तैयार हो गया है नहीं। तो देखिए, जार का ढक्कन खोल कर देखते हैं, तो फिर से इसे जार को चम्मच की हेल्प से चलाकर देखेंगे। तो देखिए, हमारा बहुत ही अच्छे से पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए, मिल्क शेक हमारा एकदम रेडी है, सर्व करने के लिए हमारा मिल्क शेक एकदम तैयार हो गया है। तो चलिए, इसे गिलासों में ट्रांसफ़र कर देते हैं और सर्व करते हैं। तो देखिए, हमने 2 गिलास ले लिए हैं। तो देखिए, गिलास में आइस क्यूब ऐड कर देते हैं। तो देखिए, पपीता हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम सही रहता है। तो आप लोग इस तरीके से पपीता ज़रूर खाएं, सुबह के टाइम पपीता का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, अब इसमें पपाया शेक को भी डाल देते हैं। पपाया शेक बनकर हमारा तैयार हो गया है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो अगर आप लोगों को इस तरीके से पपीते खाने में अगर दिक्कत आती, तो आप लोग इस तरीके से इसका शेक बना सकते हैं, तो शेक बहुत ही टेस्टी होता है। तो देखिए, दोनों गिलासों में हमने शेक को कर दिया है। तो चलिए, इसकी इलायची पाउडर से गार्निश कर देते हैं। इलायची को हमने कूट कर इसका पाउडर बना लिया था। इलायची पाउडर का इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और बहुत टेस्टी लगता है ये। तो आप लोग भी इस तरीके से पपाया ड्रिंक ज़रूर बनाकर देखें, पपाया मिल्क शेक बहुत ही टेस्टी होता है, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, उतना ही पीने में ये टेस्टी होता है। तो आप लोग भी इस तरीके से एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। अगर आप लोगों को हमारी पपाया मिल्क शेक की रेसिपी पसंद आई, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोगों को हमारी पपाया मिल्क शेक की रेसिपी कैसी लगी। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।